आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां गुड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब समर्थकों के साथ वृंदावन गार्डन में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र भर के भाजपा नेता कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस में शामिल हुए। इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुड़ प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। तत्पश्चात वृंदावन गार्डन से कलेक्ट्रेट के लिए विशाल नामांकन रैली निकाली। वहीं श्री सिंह ने जनता से आशीर्वाद मांगा और इस बार अपनी जीत का भरोसा भी दिलाया है। इस दौरान क्षेत्र भर से एकत्रित हजारों लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उत्साहित क्षेत्र की जनता जनार्दन ने भी पूरी तरह से बदलाव का आगाज किया है, जो इस विशाल रैली के रूप में देखने को मिला। आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला, जिला संगठन मंत्री रवि तिवारी, प्रदेश प्रतिनिधि लक्ष्मण कोल, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने अपनी जीत का भरोसा जताया और कहा कि जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। स्थानीय विधायक के भ्रष्टाचार, अनाचार और कमीशन खोरी से आम जनता परेशान है और इससे यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है। इस दौरान कपिध्वज सिंह ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों भी लिया। वृंदावन गार्डन में आयोजित विशाल जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें प्रमुख रूप से वार्ड क्रमांक 16 से जनपद सदस्य रामावतार कोल, भरत कोल के अलावा भाजपा नेता कमलाकर मिश्रा और अमित द्विवेदी दढ़वा शामिल हैं। इनके अलावा बरसैता के व्यास मुनि पांडे, राजा राम द्विवेदी के साथ साथ सज्जन सिंह, विपिन मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। स्टेट प्ले नावा। हाँ, व्यक्ति का विजय। लेकिन 80 साल है वो क्षेत्र से लापता रहे, अब तो 85 के होंगे। अगर जनता आशीर्वाद देवो करे तो काहे दे भाई, अपना 85 साल के हो गया, अपना धर्म का। लेकिन ये गलती, इच्छा तो देखी, इच्छा तो समय के होती कि सबका सब मिल जाए, लेकिन गलती भारतीय जनता पार्टी के है कि अपना गुड़ विधानसभा क्षेत्र के साथ यहाँ के मतदाता के साथ इतना गलत कैसे कर सकी थी। नौजवान प्रत्याशी रहे पार्टी के पास, क्षेत्रीय प्रत्याशी रहे पार्टी के पास, नारायण मिश्रा जी रहे, मुनिराज जी रहे, माया सिंह जी रही, प्रज्ञा जी रही, बालेन जी रहे, सब क्षेत्रीय, सब नौजवान। ऐसे प्रत्याशी का यदि उम्मीदवार बनावा जा तो एक बात और रही, उनमें क्षमता रही कि जनता के आशीर्वाद पाए के वो सेवा कर सकत रहे, लेकिन 85 साल के व्यक्ति ये सब नहीं कर सके। तो अब चुनाव के समीकरणों सामने आएगा, 85 बनाम 45 होएगा है। उनके पास कोनो मुद्दा नहीं है, क्योंकि 5 साल के अलावा 20 साल जो क्षेत्र में कहीं नहीं है, वो सब उनके सामने खड़ा है। अब उनके पास सिवाय भ्रम फैलावे के, आर्थिक दुरुपयोग करेंगे और गलत तरीके से मत प्राप्त करे के अलावा इनके पास कोनो तरीका नहीं है। और ये जो अनैतिक तरीका इनका है, यदि एका हम बच्चे ताक ले गए तो हमें यह भरोसा है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र से ऐसा परिणाम आई कि दोबारा ना तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विदेशी को उतारी, ना तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, ना तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कबो 85 साल वाले व्यक्ति को उतारी और ना यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वो भ्रष्ट व्यक्ति का उतारी। तो अपना सब यहाँ पधारन, हमें आशा है कि भोजन होएगा, हो ही सबके।